गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस रिस्क. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. पहले तो बिजनेस रिस्क क्या होता है, फिर हम उसका नेचर पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन से. व्हाट इज बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क क्या है? इट रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस इन बिजनेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी. हम समझेंगे. बिजनेस में एक संभावना है. किस चीज की संभावना है? पॉसिबिलिटी है कि बिजनेस को लॉस हो जाए और बिजनेस को प्रॉफिट में कमी हो जाए. किस वजह से? अनसर्टेनिटी की वजह से. यह अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? क्योंकि बिजनेस कैरी किया जाता है फ्यूचर में और फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन. इसी अनसर्टेनिटी की वजह से, अनिश्चितता की वजह से बिजनेस में जब हानि होगी या बिजनेस में जब प्रॉफिट में कमी होगी तो उसको हम क्या बोल देंगे? ये क्या है? बिजनेस रिस्क. मतलब दोबारा समझेंगे हम लोग. बिजनेस रिस्क क्या है? एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी संभावना जो बिजनेस के लिए क्या लाएगी? या तो हानि लाएगी, या तो लॉस लाएगी, या प्रॉफिट में कमी को लाएगी. किसकी वजह से? अनसर्टेनिटी की वजह से, कुछ भी फिक्स ना होने की वजह से. अब एक छोटा सा पॉइंट, ड्यू टू अनसर्टेनिटी बिजनेस को लॉस हो जाता है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी बिजनेस को प्रॉफिट में कमी हो जाती है. ये अनसर्टेनिटी आती क्यों है? क्यों कुछ फिक्स नहीं है? तो हम यहां से पॉइंट समझेंगे. हमने एक फीचर पढ़ा था बिजनेस का कि बिजनेस क्या है? रेगुलरिटी इन डीलिंग होता है. बिजनेस क्या है? प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में भी इसको कैरी किया जाएगा. इसका मतलब जब कोई चीज फ्यूचर में होती है, क्या हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट क्या आएगा? हो सकता है हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाए जिसकी वजह से बिजनेस को हानि भी हो सकती है और बिजनेस का प्रॉफिट भी कम हो सकता है. हानि की संभावना और प्रॉफिट में कमी की संभावना, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस का रिस्क. चलिए आगे कुछ एग्जांपल लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको फ्यूचर में आ सकती हैं जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क रहेगा ही रहेगा बिजनेस में. एंड बिजनेस रिस्क क्या है? असेंशियल पार्ट है बिजनेस का. इसको बिजनेस से अलग नहीं कर सकते. अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बिजनेस रिस्क को फेस करना पड़ सकता है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किन प्रॉब्लम्स की वजह से बिजनेस रिस्क आ सकता है. मैं एक एग्जांपल लेती हूं. मैं गारमेंट का बिजनेस करती हूं. मेरा बिजनेस आज बहुत अच्छा चल रहा है. क्या मैं सोच सकती हूं कि फ्यूचर में भी बिजनेस अच्छा चलेगा? अगर ऐसा हो जाए तो, अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बदल जाए, चेंज इन डिमांड, अब कोई मेरे प्रोडक्ट को पसंद ही नहीं कर रहा, तो क्या मुझे लॉस नहीं होगा? क्या मेरा प्रॉफिट कमी नहीं होगी? तो इस प्रॉब्लम की वजह से बिजनेस रिस्क आया. मेरे गारमेंट के प्रोडक्ट्स की जो है डिमांड कम हो गई फ्यूचर के अंदर, जिसकी वजह से मुझे लॉस हो गया और मुझे प्रॉफिट में कमी हो गई. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. एक और बिजनेस रिस्क का एग्जांपल लेते हैं. मेरे प्रोडक्ट की सेल कम हो गई. अभी तो मैंने बोला चेंज इन डिमांड, अब मैं कह रही हूं मेरे प्रोडक्ट की सेल कम हो गई. क्यों कम हो गई? कोई कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, अब लोग उससे प्रोडक्ट लेने लग गए. क्या मैं कुछ कर सकती हूं? नहीं कर सकती. मुझे बिजनेस रिस्क को फेस करना ही पड़ेगा. मुझे लॉस होगा, मेरा प्रॉफिट कम होगा. तो कुछ कारण हैं जो फ्यूचर में हमारे को क्या दे सकते हैं? लॉस दे सकते हैं और हमारे प्रॉफिट को कम कर सकते हैं. एक और एग्जांपल देख सकते हैं. एक और कारण आ गया हमारा, एक और रीजन आ गया जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क आएगा. हमारा प्रोडक्शन स्टॉप हो गया. किस वजह से? मेरे जो बिजनेस में एम्प्लॉयज या वर्कर काम कर रहे थे, उन्होंने एकदम से स्ट्राइक कर दी. अब मैं प्रोडक्ट बना ही नहीं सकती. जब मैं प्रोडक्ट बना नहीं सकती तो प्रोडक्ट को बेचूंगी कैसे? और प्रोडक्ट बेचूंगी नहीं तो मुझे लॉस हो जाएगा. तो यहां पर यह समझाया जा रहा है कि कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से फ्यूचर में एक बिजनेसमैन को हानि होने की संभावना है और उसके प्रॉफिट में कमी होने की संभावना है. तो इस संभावना को, लॉस और प्रॉफिट में कमी की संभावना को बोला जाता है बिजनेस रिस्क. चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इस पर जो बिजनेस रिस्क को डीपली समझाएगा कि किस तरीके का होता है बिजनेस रिस्क, उसका नेचर कैसा है बिजनेस रिस्क. चलिए स्टार्ट करते हैं.
वेरी फर्स्ट पॉइंट से क्या नेचर है बिजनेस रिस्क का. रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी. कि हम इसको बोल सकते हैं रिस्क क्यों आया. रिस्क अनसर्टेनिटी की वजह से आया. आउटकम किसका है. अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी क्या होती है. एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज अनसर्टेनिटी. एक ऐसी सिचुएशन विच इज नॉट नोन टू अस. जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है. क्योंकि बिजनेस क्या हो रहा है. फ्यूचर में हम लोग चला रहे हैं बिजनेस को. आज जो हमारा बिजनेस है फ्यूचर में भी चलेगा. और फ्यूचर तो हमें पता ही नहीं है. अनसर्टेन है. उस सिचुएशन के बारे में हम समझते ही नहीं है. तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से बिजनेस में बिजनेस रिस्क डेफिनेटली आएगा. और अनसर्टेनिटी कितने तरह की हो सकती है. वो अनसर्टेनिटी हो सकती है ह्यूमन अनसर्टेनिटी. ह्यूमन देखिए आप ह्यूमन को भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. आज आप जिस लेबर के साथ काम कर रहे हैं हो सकता है वो कल स्ट्राइक कर दे. तो ह्यूमन अनसर्टेनिटी आ सकती है आपके बिजनेस में. बिजनेस अनसर्टेनिटी भी आ सकती है. कैसे बिजनेस अनसर्टेनिटी आपके बिजनेस में. आपकी डिमांड चेंज हो गई. आपको पता नहीं है बिजनेस में. आप बिजनेस की डिमांड चेंज हो जाए तब बिजनेस अनसर्टेनिटी आ जाएगी. और एक और चीज भी हो सकती है नेचुरल अनसर्टेनिटी. अब ये नेचुरल अनसर्टेनिटी क्या है. क्या आप नेचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कल बारिश आएगी, कल बाढ़ आएगी, कल अर्थक्वेक आएगा. हम बता सकते हैं नहीं बता सकते. अगर नेचर ने ऐसा हो जाए तो हमारे बिजनेस के लिए लॉस हो जाएगा. तो ये तीन तरह की अनसर्टेनिटी है जिसका जो है रिजल्ट है बिजनेस रिस्क. चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे. स्टूडेंट्स आप कहते हैं बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता. बिजनेस रिस्क क्या है. अनअवॉइडेबल. अनअवॉइडेबल का मतलब है जिसको टाल नहीं सकते. आपने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तब आपको बिजनेस रिस्क को फेस करना ही पड़ेगा. किसी भी तरह का बिजनेस है वो अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. जब फ्यूचर अनसर्टेन है तो आप अपने रिस्क को भी अवॉइड नहीं कर सकते. देखिए रिस्क अवॉइड नहीं किया जा सकता लेकिन रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है. मिनिमाइज होता है कम कर सकते. ये कम कैसे कर सकते हैं. एक बिजनेसमैन अपनी समझ से अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपने बिजनेस के रिस्क को कम कर सकता है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था मैंने गारमेंट का बिजनेस किया. अगर मेरे गारमेंट के जो है डिमांड मार्केट में कम हो जाती है क्या मैं उस रिस्क को जो है अवॉइड कर सकती हूँ. बिल्कुल नहीं कर सकती. तो मैं कैसे उसको कम कर सकती हूँ. मैंने देखा कि मेरे प्रोडक्ट की जो है डिमांड कम हो गई या प्रोडक्ट की डिमांड क्या है पहले से बहुत कम है. फैशन चेंज हो गया. अब मुझे क्या करना चाहिए. अगर आउटडेटेड मेरा प्रोडक्ट हो गया तो लोग खरीदेंगे नहीं सेम प्राइस पर. तो मैंने भी एक ट्रिक करी कि मैं क्या करती हूँ. रिस्क तो है उसको फेस करना पड़ेगा लेकिन उसको कम करती हूँ. कैसे. मैंने सेल लगा दी. 500 रुपए के प्रोडक्ट को मैं कितने में बेच देती हूँ. 300 रुपए के प्रोडक्ट में बेच देती हूँ. तो मुझे नुकसान कितना हुआ ओनली 200 का. ये मैंने क्या किया. बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं किया. बिजनेस रिस्क को मिनिमाइज किया. तो ऐसा बिजनेसमैन कर सकते हैं लेकिन बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे. डिग्री ऑफ रिस्क वैरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस. कहते हैं रिस्क तो असेंशियल है. और रिस्क क्या है. आप बिजनेस किसी भी तरह का करेंगे रिस्क तो आपको फेस करना पड़ेगा. बट कम और ज्यादा जो है रिस्क हो सकता है. कैसे हो सकता है हम समझेंगे. साइज ऑफ बिजनेस क्या होता है. सबसे पहले हम ये देखते हैं. एक लार्ज साइज के बिजनेस होते हैं और एक स्मॉल साइज के बिजनेस होते हैं. लार्ज साइज के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या होती है. लार्ज. और स्मॉल साइज में इन्वेस्टमेंट लेस. अब बताइए रिस्क किसमें ज्यादा होगा. जहां पर पैसा कम लगा हुआ है वहां नुकसान होने की भी संभावना कम होगी. जो बड़े बिजनेस हैं उनमें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होगी. जिसने करोड़ों में रुपए लगा रखा है एकदम से उनके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है आउटडेटेड हो जाती है तो उनको करोड़ों का नुकसान होगा. तो हमने अभी पढ़ा
डिग्री ऑफ रिस्क वैरी करता है, वैरी होता है मतलब चेंज होगा साइज ऑफ बिजनेस का। जैसा साइज बिजनेस का होगा, छोटा साइज है बिजनेस का तो हमारे को रिस्क भी थोड़ा फेस करना पड़ेगा, अगर लार्ज साइज जो है बिजनेस का है तो हमें उसी लार्ज स्केल पर रिस्क भी फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, डिग्री ऑफ रिस्क वैरीज विद द नेचर ऑफ बिजनेस। कहते हैं बिजनेस के नेचर के हिसाब से बिजनेस को रिस्क फेस करना पड़ता है। अब नेचर समझ लेते हैं, कैसा नेचर होता है बिजनेस का। दो तरीके के नेचर होते हैं बिजनेस के, एक तो होता है डेली नेचर के बिजनेस और एक होता है ट्रेंड बिजनेस, इसको हम फैशन बिजनेस भी कह सकते हैं। दो तरीके के जो है बिजनेस होंगे। डेली नेचर के बिजनेस वाले क्या काम करते हैं, डेली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे नमक, जैसे दालें, ये जैसे आटा। जो बिजनेस इस तरीके के प्रोडक्ट को बनाते हैं डेली नेचर के, उनके लिए बिजनेस रिस्क क्या होगा, कम होगा। क्या रीजन होगा, इन प्रोडक्ट की कभी भी डिमांड नहीं जो है मार्केट से जा सकती। नमक तो हम खाएंगे, आटा भी हम खाएंगे, इसका मतलब इनकी डिमांड कभी मार्केट से नहीं जाएगी, तो इनके ऊपर रिस्क क्या हो गया, कम हो गया। ट्रेंडी बिजनेस, जो फैशनेबल प्रोडक्ट्स बनाने वाले बिजनेसेस हैं उनके ऊपर बिजनेस रिस्क ज्यादा रहता है। आज हम क्लोथ जो डालते हैं वो कल नहीं डालते थे, इसका मतलब क्या हो गया, कल जो ट्रेडर थे या कल जो बिजनेसमैन थे उनके ऊपर बिजनेस रिस्क आया था। फैशनेबल प्रोडक्ट बनाने वाले जो बिजनेसेस हैं उनको ज्यादा रिस्क फेस करना पड़ता है, क्योंकि फैशनेबल प्रोडक्ट्स की जो है डिमांड फ्लक्चुएट बदलती रहती है। कभी तो डिमांड जो है आज डिमांड है, कल डिमांड ना हो, कल अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो डेफिनेटली बिजनेस में रिस्क आएगा ही आएगा। तो यहां पर क्लियर होता है डिग्री ऑफ रिस्क वैरी करता है नेचर ऑफ बिजनेस के साथ भी। अगर डेली नेचर का बिजनेस है तो बिजनेस रिस्क कम, अगर ट्रेंडी बिजनेस है तो बिजनेस रिस्क ज्यादा। लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग, प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। कहते हैं प्रॉफिट जो है वो रिजल्ट किसका है, प्रॉफिट एक बिजनेस ने कैसे कमाया रिस्क लेने के बाद। हमें ये भी पता है बिजनेस में रिस्क है, तो अगर हम ये सोचें कि अरे रिस्क है, लॉस होने की चांसेस हैं, हम बिजनेस ही नहीं करते, क्या कोई प्रॉफिट कमा सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस रिस्क के साथ बिजनेस करते हैं, और जितना बड़ा रिस्क आप लेंगे उतने ही चांसेस होंगे प्रॉफिट कमाने के। देखो जनरल सा एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्या किया, मार्केट से 10 रुपए की लॉटरी की टिकट ली और एक जो है पर्सन ने 100 रुपए की लॉटरी की टिकट ली। अगर मैं 10 रुपए की लॉटरी की टिकट लेती हूं तो मुझे डबल प्राइज मिल गया 20, मैंने 10 रुपए का रिस्क लिया तो मुझे कितना मिला, 20। अब ये स्कीम दूसरे पर्सन के पास है, उसने 100 रुपए की लॉटरी खरीदी तो उसके पास क्या हो गया, 200 रुपए कमाने का चांस हो गया। ऐसा ही बिजनेस में होता है, अगर हम बड़ा रिस्क ले लेते हैं तो हमें प्रॉफिट के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। देखो कंपनी बिजनेस हमने पढ़ा था, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, वहां पे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट होती है जो क्या उनको देते हैं, ज्यादा रिस्क देते हैं। बट हम ये भी देखते हैं कंपनीज ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं क्योंकि उनके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है, वो रिस्क बेयर करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसका मतलब मोर प्रॉफिट लेस रिस्क मतलब लेस प्रॉफिट। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट है वो रिजल्ट किसका है, रिस्क लेने का रिजल्ट है। अगर बिजनेसमैन रिस्क लेंगे तो ही उनको प्रॉफिट होगा। चलिए एक बार दोबारा से जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं, रिस्क किसकी वजह से आया, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी की वजह से। फ्यूचर हमें नहीं पता बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा, उसकी वजह से रिस्क जो है रिजल्ट आएगा, कि फ्यूचर का नहीं पता तो लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट में कमी भी हो सकती है। और बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता, बिजनेस रिस्क को कम किया जा सकता है। रिस्क जो है वैरी करता है, स्मॉल साइज के लिए रिस्क कम है बिजनेस में और लार्ज स्केल बिजनेस के लिए रिस्क ज्यादा है। ऐसे ही
डेली नेचर के बिजनेस के लिए रिस्क कम है और फैशनेबल प्रोडक्ट्स के लिए रिस्क ज्यादा है। प्रॉफिट जो है रिजल्ट हमेशा या आउटकम रहता है रिस्क टेकिंग का। जितना ज्यादा रिस्क आप लेते हैं बिजनेस के अंदर उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलता है। थैंक यू सो मच।